फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब को छोड़ रही हूँ हमेशा के लिए। बाय बाय टाटा कह रही हूँ, अलविदा कह रही हूँ, क्योंकि मुझसे यूट्यूब अब नहीं होगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 310 वीडियो अपलोड्स कर दी, एक भी वीडियो मेरी वायरल नहीं हुई, एक भी वीडियो ग्रो नहीं हुई। इतने गर्मी में, इतने पसीने में डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ, बट इसका रिस्पॉन्स जीरो मिलता है। 100 व्यूज़ से 200 व्यूज़ मिलता है। 1.5 साल हमको काम करते हुए हो गया, अभी तक मेरी फर्स्ट पेमेंट क्या $10 भी कम्प्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि हमेशा के लिए यूट्यूब को बाय बाय टाटा कह दूंगी। आज की वीडियो में इसी से टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। बहुत सारी ऑडियंस यही आके मेरे चैनल पर कमेंट्स करती है और ऐसे उल्टे सीधे सवाल करती है, जिसका मैं आज आपको जवाब दूंगी। तो आप भी अगर एक क्रिएटर हो, इसी तरीके से आपके पास भी क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, इसलिए अंत तक देखना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और एक लाइक कर दो। आप चलिए वीडियो। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर 310 वीडियो अपलोड्स कर दिया, 1 साल से ऊपर हो गया। प्रेजेंट टाइम में मेरे चैनल पर $2 है, फिर भी मैं डीमोटिवेट नहीं हुई। एक लड़की हूँ, 2 बच्चे हैं, उनको देखने के बाद, घर का काम देखने के बाद डेली एक वीडियो अपलोड्स करने की कोशिश करती हूँ, डेली एक वीडियो बनाती हूँ। काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं, लोग उल्टे सीधे बातें करते हैं कि वीडियो बना रही हो, आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। इतनी गर्मी में, पसीने में सड़ के, मर के, झड़ के, ना जाने कैसे कैसे अवस्था से गुजर के वीडियो बनाती हूँ और रिस्पॉन्स जीरो मिलता है। फिर भी जब मैं एक लड़की होकर नहीं आ रही, तो आप कैसे कहते हो भाई मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं होपलेस हो जाता हूँ, मुझसे नहीं होगा। मैंने 100 वीडियो अपलोड्स कर दी, मेरा 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ। मेरे भाई 120 वीडियो अपलोड्स करने के बाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे, और 310 वीडियो अपलोड्स करने के बाद मेरा चैनल मोटाइज हुआ, तो मैं डीमोटिवेट नहीं हुई, फिर आप कैसे हो जाते हो? और मेरे चैनल पे मेरी वीडियो में टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, फुल SEO वीडियो मिलेगी, जिसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फुल SEO, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, अच्छे से अच्छा थंबनेल, अच्छे से अच्छा वीडियो में अच्छी क्वालिटी कैमराज, अच्छी क्वालिटी सब कुछ प्रोवाइड कराने के बाद व्यूज आता है 100 से 200। फिर भी मैं डीमोटिवेट नहीं हूँ, फिर आप क्यों होते हो? बोलते हो मैम मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ, व्यूज़ नहीं आते, 10-15-50 व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं इंक्रीज होते, स्टॉप हो जाते हैं। भाई मेरे चैनल पर खुद 10-10 दिन तक एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, 10-10 दिन तक व्यूज़ नहीं आते। रिच 5 लाख थी, प्रेजेंट टाइम में 2 लाख हमारी जो इस इंप्रेशन होता है यूट्यूब की तरफ से, वो 2 लाख हो गई है। 5 लाख, जिस चैनल पे 5 लाख इंप्रेशन हो, रिच हो हमारे चैनल की, और उस चैनल का 2 लाख हो जाए, फिर भी हम डीमोटिवेट नहीं हुए, डेली वीडियो बना रहे हैं। तो भाई ये यूट्यूब है, कभी ऊपर कभी नीचे लगा रहता है, यूट्यूब पर ऊपर नीचे लगा रहता है, कभी डीमोटिवेट होते हैं, कभी हैप्पीनेस होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हमारे समझने से ज़्यादा व्यूज़ आ जाता है, कभी हम बहुत अच्छा करते हैं फिर भी व्यूज़ बहुत कम आता है, फिर भी हम डीमोटिवेट नहीं होते। आप कैसे हो जाते हो? एक लड़की होकर मैं डीमोटिवेट नहीं हो रही हूँ, वो भी टेक चैनल्स की वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि 99% खाली लड़के ही टेक चैनल की वीडियो बनाते हैं, ओनली 1% लड़कियाँ टेक से रिलेटेड वीडियो बनाती हैं, और 99% लड़के वीडियो बनाते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स मैंने देखा है, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रही हूँ, अपलोड्स कर रही हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं हो रही हूँ। कमाल है यार, आप लोग कैसे हो जाते हो? उम्मीद नहीं है, आप लोग इतना ज़्यादा हार कैसे मान लेते हो? कैसे हार मान लेते हो? मैं तो हार नहीं मानती, डेली वीडियो बनाती हूँ, डेली अपलोड्स करती हूँ, डेली कुछ ना कुछ नया सोचती हूँ, नया करने की कोशिश करती हूँ, नया डालने की कोशिश करती हूँ, कुछ नई ऊर्जा, नई उमंग, नई। अब बहुत सारे लोग कहेंगे टॉपिक्स की कमी होती है, मैम 10-20 वीडियो बना ली, अब टॉपिक्स नहीं मिलता। तो आप लोग मुझसे कहिए टॉपिक्स नहीं मिलता, मैं आपको टॉपिक्स दूंगी, भर भर के टॉपिक्स दूंगी। डेली आप 10 वीडियो अपलोड्स करेंगे, फिर भी आपको टॉपिक्स की कमी नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल पे इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको इतना टॉपिक्स दे दूंगी कि आप कभी भी होपलेस नहीं हो पाएंगे। बट मेरे भाई, अगर यूट्यूब पे आए हैं तो पढ़ाई के लिए आप 10 साल 15 साल 20 साल दे देते हैं, तो यूट्यूब के लिए 2 साल 3 साल निकाल के दीजिए, मैक्सिमम 2 साल निकाल के दीजिए। कुछ नहीं मिलता तो क्या जाता है, बाय बाय टाटा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। यूट्यूब कोई हमारी ज़िंदगी थोड़ी ना है कि रोक देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। ये एक ज़िंदगी का पड़ाव है, एक स्टेशन है, इस स्टेशन पे ट्रेन मिली तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, कोई और स्टेशन की तलाश करेंगे, बट रुकेंगे नहीं। लेकिन कम से कम 2 साल उस स्टेशन पर रुक के, उस बस स्टॉप पर रुक के अपने लिए कुछ काम करो, डीमोटिवेट मत हो, जो हो सकता है, जैसा हो सकता है करने की कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस इतना मैं जानती हूँ, जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? अगर तो वीडियो बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल आएगा वो पल जब आप भी सितारे की तरह चमकोगे। बस इतना ही कहना है फ्रेंड्स, जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? वीडियो अगर आपको इंटरेस्टेड लगी हो, इससे आप जरा भी कुछ भी मोटिवेट हुए हों
और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और एक लाइक कर दो। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी techeswarya23 है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।